दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आपके पास इन्फिनिक्स का फोन है, इन्फिनिक्स X6515, X6516, X6517 या फिर इन्फिनिक्स स्मार्ट 7, इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 प्लस या फिर इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 HD, कोई भी फोन है इनमें से, या फिर इन्फिनिक्स का कोई और भी फोन है और उसमें FRP लॉक लगा है, सारा कुछ आपने कर लिया, बहुत ही ज्यादा माथाफोड़ी कर ली, YouTube पे पूरा वीडियो देख डाला, लेकिन आपके प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिल पा रहा है, तो डोंट वरी, एक लैपटॉप लो और मैं इस वीडियो को दिखाता हूँ कैसे आप बहुत ही इजिली एक क्लिक में अपने फोन को अनलॉक कर लोगे। कोई माथाफोड़ी, कोई ईमेल आईडी, कोई एंड्रॉयड सेटअप नहीं, कोई फोनिक्स ब्राउजर नहीं। तो दोस्तों चलिए दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। तो दोस्तों आपको इस फोन को अनलॉक करने के लिए क्या करना होगा मैं आपको बताता हूँ। इसी वीडियो को, जो वीडियो आप देख रहे हो, उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में चले जाइए या फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, एक कमेंट पिंड हुआ मिल जाएगा आपको, पिन कर दूंगा मैं, वहां से फाइल डाउनलोड कर लेगा। आप अगर फाइल को डाउनलोड कर लेंगे तो आपको क्या करना है, आपको अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में ADB के ड्राइवर, ADB इन द सेंस एंड्रॉयड डीबग ब्रिज, ADB का पूरा नाम एंड्रॉयड डीबग ब्रिज, एक मोड है जिसकी मदद से आपका मोबाइल फोन आपके PC से कनेक्ट हो सकता है, तो इसलिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, एकदम आसान और सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूं कि कैसे आप इसकी FRP को एक क्लिक में, मात्र एक क्लिक में अनलॉक कर सकते हैं। चलिए दिखाता हूं, यहाँ पर आप देख लीजिए पुराना लॉक मांग रहा है, यूज माई गूगल अकाउंट पे क्लिक करने के बाद इस तरीके का एरर शो हो रहा है, क्या करना है अब दिखाता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों वीडियो में से या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट पे से या फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स से अपने फाइल को डाउनलोड कर लिया होगा। अब आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, जो आपको फाइल मिले ठीक है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना। एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, इस तरीके से आपको फाइल मिलेगी एक ADB ड्राइवर की, राइट क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे विरार या फिर जिस भी फाइल एक्सट्रैक्टर रखे होंगे आप उससे एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। तो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो इस तरीके से फाइल आ जाएगी। मैंने टाइम बचाने के लिए तीनों फाइलों को एक्सट्रैक्ट कर रखा है। अब मैं ADB के वाले बॉक्स में जाऊंगा और यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ पे ड्राइवर वाले ऑप्शन में चला जाऊंगा और यहाँ पे देखिए इस तरीके का एक एंड्रॉयड विन USB लिखा हुआ आ रहा है। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके का इंटरफेस आएगा, आपको क्या करना है, सिंपली कंप्यूटर पे जाकर राइट क्लिक करके मैनेज पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप मैनेज पे क्लिक कर देते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए दिख जाता है डिवाइस मैनेजर, यहाँ पर देखिए डिवाइस मैनेजर, ऑलरेडी मैंने ये देखिए एंड्रॉयड बूट लोडर इंटरफेस, ये देखिए ना आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इस खाली एरिया में कहीं पर एक बार क्लिक कर देना है। जब क्लिक कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पर देखिए ऑप्शन है एक एक्शन का, एक्शन पे जाएंगे, ऐड लेगेसी पे जाएंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आपने क्लिक किया, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और हैव डिस्क पे क्लिक करके ब्राउज पे क्लिक कर देंगे। अब आपको जो फाइल आपने डाउनलोड करा है डिस्क्रिप्शन से या फिर कमेंट से, तो वो आपने कहाँ रखी है उसको, उसके बाद आपको ओपन करना है, ADB के ड्राइवर में चले जाना है, ADB वाली फाइल को ओपन करना है और यहाँ पे देखिए एंड्रॉयड विन USB इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, बस ओपन पे क्लिक करके और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दीजिएगा, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए एंड दैट्स इट। और यहाँ से ऑप्शन आएगा, यहाँ पे जाए इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिएगा, बस आपका ADB का ड्राइवर इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। ADB का ड्राइवर इंस्टॉल हो गया, जिसको कुछ भी नहीं पता है वो भी इसको देखकर अपने फोन को अनलॉक कर लेगा, ठीक है। अब इस फोन में क्या करना है, आप बैकएंड में देखते रहिए ड्राइवर इंस्टॉल हो रहा है। अब आपको इस फोन में क्या करना है, इसको एक मोड पे लेकर जाना होगा, ADB मोड पे इस फोन को लेकर जाना होगा। तो कैसे जाएंगे, अगर आपके पास कोई जुगाड़ है कि डायरेक्ट इस फोन में ड्राइव ब्राउजर खुल जाए तब तो बहुत अच्छा बात है, ठीक है। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप नेक्स्ट पे जाइए, ठीक है, नेक्स्ट स्किप और इस वाईफाई वाले ऑप्शन में चले जाइए, आपका फोन वाईफाई से कनेक्ट रहना चाहिए। यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, QR दिख जाएगा, नियर बाय शेयर पे क्लिक कर दीजिएगा, टर्न ऑन और यहाँ पे नीड हेल्प शेयरिंग पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर देखिए ध्यान से दिखाता हूँ आपको, 3 डॉट पे जाइएगा,
शेयर आर्टिकल, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर फोनिक्स ब्राउजर दिख रहा है, अगर आपके फोनिक्स ब्राउजर ना दिखे तो आप मैसेज के थ्रू जा सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। सिंपली मैं आपको, अगर आपके पास फोनिक्स ब्राउजर है तो अब तो ठीक है, वरना यहाँ पर देखिए मैसेज में चले जाता हूँ, ताकि अगर आपके पास ना हो तो भी आप कर सकें, आपके में फोनिक्स ब्राउजर ना हो तब भी आप कर सकते हैं। देखिए ये फिनिश हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे न्यू पे मैं चला जाऊँगा और यहाँ पे 198 डाल दूंगा। देखिए 198 सेंड पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए लिंक जनरेट हुआ, इसको सब कट कर दूंगा, लिखूंगा www.youtubecom। देखिए सही से स्पेलिंग लिखिएगा इस तरीके से, जैसे ही आप सेंड बटन पे क्लिक करेंगे लिंक बन जाएगा, ये लिंक पे आपको क्लिक कर देना, आपका यूट्यूब खुल जाएगा। देखिए अगर अपडेट मांग रहा है तो एक बार अपने फ़ोन को रिसेट कर दीजिए, हार्ड रिसेट कर दीजिए, सही हो जाएगा। बैक कीजिए, बैक कर दें और मैं यहाँ से फिर से जाऊँगा शेयर आर्टिकल पे, क्योंकि मेरे पास फोनिक्स ब्राउजर है तो इस पे मैं चला जाऊँगा। ओपन पे क्लिक कर देना है, आपको किसी तरीके से अपने फ़ोन में ब्राउजर को ओपन कर लेना है, ठीक है। ब्राउजर ओपन करके यहाँ पर जाना है, जो सर्च वाला आइकन है उस पे बस आपको लिखना क्या है, यहाँ पे देखिए कट किए एड रोम लिखना है, एड रोम, जो पहली वेबसाइट आपको दिखे, ठीक है, उसको आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन पे क्लिक करने के बाद जस्ट थोड़ा सा वेट कीजिए, अब आगे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक क्लिक में होगा दोस्तों। प्लीज़ आपको इस फ़ोन को उस मोड पे लेकर जाना है, देखिए ये आपको यहाँ पे दिख रहा हो तो ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये दिख रहा हो तो ठीक है, वरना थ्री लाइन पे क्लिक कीजिएगा, बाईपास एपीके पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ से कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपली यहाँ पर देखिए ओपन अदर ऐप्स, ये ग्रीन कलर का, इस पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे देखिए ओपन, यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक डायलर का ऑप्शन, डायलर पे क्लिक कर दीजिएगा, बस ये डायलर आ गया, आपका प्रॉब्लम सॉल्व। अब आपको क्या करना है, इसको कट करना है, स्टार हैज 85 हैज, इतना कर देना है, बस इतना करना है। अब आपको दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर फ़ोन मैं रख देता हूँ इस तरीके से, ताकि आपको कोई भी वीडियो फेक ना लगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ सिंपली क्या करना है, इसको मिनिमाइज कर दूंगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे ADB का इंटरफेस बनता है या नहीं। सिंपली अब आपको क्या करना है, जो फाइलें आपने रखी होगी, तो मैंने फाइलें यहाँ पर रखी है, ठीक है, फाइलें यहाँ पर रखी हैं, अब देखिए फाइलें यहाँ पर रखी हैं, इसमें से जो टूल है SAM FW 3.31, इसको ओपन करना है, ओपन करना है, इस टूल को ओपन कर लेना है। इसके लिए आपके कंप्यूटर में इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, पहले ही बता दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, और ये टूल बिल्कुल फ्री है, मैं दे रहा हूँ आपको, बिल्कुल फ्री है दोस्तों। अब इसको ओपन होने तक का वेट करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि ये ओपन हो जाएगा। अगर आपका विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 8 है, तो बहुत ही जल्दी ओपन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए नीचे टूल ओपन हो चुका है, इस तरीके से टूल ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना समझना है, यहाँ पर देखिए टेस्ट मोड MTP और ADB, आपको ADB पे क्लिक कर देना है, ADB पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपने फ़ोन को यहाँ से मैंने इसको कनेक्ट कराया, और इस फ़ोन को देखिएगा एक क्लिक में होगा अनलॉक, ठीक है। अब मैं डिवाइस मैनेजर में जाता हूँ, डिवाइस मैनेजर कैसे खुलेगा, मिनिमाइज किया, कंप्यूटर पे गया, या फिर अगर आपका विंडोज़ 10 है तो दिस PC पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए, मैनेज पे क्लिक कीजिए, मैनेज पे जैसे ही आप क्लिक कर देते हैं आपका इस तरीके से खुल जाता है। डिवाइस मैनेजर में जाइए, अब आप यहाँ पर देख लीजिए, ये देखिए एंड्रॉयड कंपोजिट ADB इंटरफेस आ गया ना, दिखाता हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए, जस्ट इट। यहाँ पे देखिए सबके सामने एक एलो है, लेकिन इसके सामने एलो नहीं है, देख लीजिए, जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है, जैसे ही मैं निकालूंगा आप देख लीजिए वो हट जाएगा। तो इसका मतलब आपका जो ड्राइवर है वो बहुत ही अच्छे से इंस्टॉल हो चुका है, बस आपको यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। अगर यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, ये जो ऑप्शन है एंड्रॉयड कंपोजिट का, ये आ गया, बस उसके बाद आपको वो टूल खोलना है SAM FW वाला, और यहाँ पे ADB पे जाकर
रिमूव एफ आर पी पे क्लिक करके न्यू मेथड या फिर ओल्ड मेथड, न्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। बस अब आप देखिए इस तरीके का ऑप्शन आएगा आपके सामने, इस तरीके का। बस आपको यहाँ पे ऑलवेज पे क्लिक करके अलाउ पे क्लिक कर दीजिएगा, दैट्स इट। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना उसके बाद। एक क्लिक हमने बोला था तो एक क्लिक में ही होगा, ठीक है, एक क्लिक में ही होगा, बिल्कुल भी घबराइएगा मत, वेट कीजिएगा। इस तरीके से मैं रख देता हूँ, देखिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा, सारा प्रोसेस एकदम 100% सही तरीके से होगा। देख लिए एफआरपी रिमूव्ड सक्सेसफुली, ठीक है। और आपके साथ आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से सिखाने के लिए मैं हूँ। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो गई हो तो आप मुझे बताएं, इसको डाटा केबल को आप निकाल सकते हैं और डाटा केबल को निकाल कर साइड कर सकते हैं। अब इसका कोई ज़रूरत नहीं, ना तो आपको लैपटॉप की ज़रूरत होगी ना तो आपको कंप्यूटर की ज़रूरत होगी। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, बस एक क्लिक का काम था। एडीबी का ड्राइवर जो है वो इंस्टॉल करना, इसलिए मैंने बताया कि जिस भी भाई को पता नहीं होता है कि एडीबी का ड्राइवर कैसे इंस्टॉल होता है तो उसको काफ़ी सारी माथाफोड़ी करनी पड़ती है, और जिस वजह से वो अनलॉक नहीं कर पाता वो कमेंट करेगा कि भाई तेरी वीडियो फेक है। ऑप्शन ही नहीं आएगा, वो जो ऑप्शन है जो अभी अलाउ करने का ऑप्शन आया था वो अलाउ का ऑप्शन ही आएगा नहीं। दोस्तों देखिए, कोई सेटअप करना नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, आपका फ़ोन एकदम डायरेक्टली स्क्रीन पे आ चुका है। सेटिंग में लेकर चलता हूँ, आपको मॉडल दिखा देता हूँ। ये देखिए मैं सेटिंग में लेकर चलता हूँ, माई फोन पे लेकर चलता हूँ, और दैट्स इट। यहाँ पर देख लीजिए आपका फ़ोन पूरी तरीके से खुल चुका है। इन्फिनिक्स स्मार्ट 7, इन्फिनिक्स एक्स 6517, एंड्रॉयड 12, एकदम लेटेस्ट सिक्योरिटी, मार्च की सिक्योरिटी 2024 की है, देख ले रहे हैं। अगर आप समझ गए होंगे तो दोस्तों एकदम एक्यूरेट वीडियो है ये, और एक बार फ़ोन को आप रीसेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।